नमस्कार, स्वागत है आपका खबर टुडे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रेया तिवारी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित प्रभाकर शास्त्री जी। पंडित जी से कि वसंत पंचमी के पर्व पर पूजा कैसे करनी है, कौन से भगवान की अर्चना करनी है और उसके तरीके क्या हैं। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मतलब भगवानों की पूजा को मतलब अर्चना किस तरीके से करनी है, कौन से भगवान को सबसे ज्यादा मतलब महत्व दिया जाता है। माँ सरस्वती का जन्म हुआ था और माँ सरस्वती की विशेष करके पूजा की जाती है और हमारे घर के जो सभी बच्चे हैं माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए और सभी को करना चाहिए कि जीवन में विद्या धन वैभव की प्राप्ति। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। हम यही आशा करते हैं कि माँ सरस्वती आपको ज्ञान बुद्धि कला का आशीर्वाद दे। इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज के दिन कौन सी राशियों पर क्या असर रहेगा और इनके शुभ वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या होगा और मतलब किस राशि पर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कुंभ राशि जो है और धनु राशि, ये जो दोनों राशियां हैं ये मकर राशि पे इस वक्त शनि देव चल रहे हैं। मकर राशि के जातक को ऊन और काले तिल का दान करने से उनके ऊपर ग्रह संकट जो भी हैं वो कट जाते हैं और इसी तरीके से धनु राशि वाले भी ऊन और काले तिल का दान करें, ब्राह्मण को ले जाकर दें और गंगा स्नान करें, इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पंडित जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, अगर हमारे दर्शकों में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो कौन सी राशियों के लिए आज के दिन शुभ होगा, उसका क्या लाभ होगा हमारे दर्शकों को। राशि और मेष राशि के जातक अगर आज कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, आज के लिए उनके बहुत ही अच्छा है। पंडित जी, आप ये भी बताइए कि अगर कोई किसी राशि पर कोई नक्षत्र का प्रभाव पड़ रहा है तो उससे उपाय के लिए हमारे दर्शक क्या कर सकते हैं। उपाय के लिए आज के दिन अगर करना चाहते हैं तो वृषभ राशि वाले जातक लाल कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध देवे, उनके लिए विशेष नाग पंचमी के दिन कष्टकारक सभी ग्रह अनुकूल रहेंगे और उनके सभी कार्य सिद्ध। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राशियों के लिए सभी राशियों के लिए कौन सा कलर लकी होगा, उनका मतलब कौन सा रंग लकी होगा जिसको पहनने से उनके ऊपर जो नक्षत्रों के प्रभाव है वो कम हो सकेंगे, आप राशियों के अनुसार हमारे दर्शकों को बताइए। तो आइए पंडित जी से जानते हैं अब राशियों के बारे में। पंडित जी, सबसे पहली मेष राशि, हमारे दर्शकों को मेष राशि वाले दर्शकों को बताइए कि उनके लिए क्या आज के दिन फायदे लाभ होने वाली चीजें हैं और क्या उनके लिए हानिकारक है। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगा कि आज के दिन उनके लिए छोटी छोटी चीजों को लेकर के उलझने बनी रहेंगी और सारा दिन परेशान रहेंगे, वो दूसरों के बारे में सोचेंगे ज़्यादा, तो ऐसा ना सोच करके अपने घर परिवार के साथ समय बिताना उनके लिए आज बहुत ही बेहतर होगा। और उनके लिए बताना चाहूँगा, उनका शुभ रंग केसरिया रंग उनके लिए शुभ है और अगर कहीं वो जाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की ओर ना जा करके और किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मेष राशि के जातकों के लिए केसरिया रंग आज के लिए शुभ होगा, तो आप जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। जी पंडित जी, बताइए। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। व्यापार के लिए आज का आपका दिन अच्छा नहीं रहेगा। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं और ध्यान देने की बात यह है कि आप अपने संबंध को लोगों से अच्छा बनाएं, किसी को किसी प्रकार की अशब्द का प्रयोग ना करें और आपके लिए शुभ रंग होगा केसरिया लाल पीला। जय श्री।
तो वृषभ राशि के जातकों के लिए पंडित जी ने हमारे पीला रंग लकी कलर बताया है। तो अब अगली राशि मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि घरेलू परेशानियों की वजह से आज आप परेशान रहेंगे। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्च कर सकते हैं। कुछ समय के पश्चात अपने शौक और अपने परिवार वालों की मदद भी लेना और खर्च कर सकते हैं। और आज आप किसी के साथ जा करके उलझुल खर्च बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं, तो आज आप घर से बाहर ना जाएं। और आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सारा दिन, और आपका शुभ रंग है नारंगी सुनहरा कलर। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पंडित जी ने नारंगी कलर लकी कलर बताया है। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके परिवार को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिसके चलते आप खींच महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए नए स्रोत मिलेंगे। एक मजेदार बात यह है कि आपको अपने घर पर बुलाएंगे। आपके लिए अपने प्रिय से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। यह ऐसा दिन है जब आप खुद को समय नहीं दे पाते, लेकिन आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाएगा। आपका जीवन साथी आपकी जरूरतों को अनदेखा कर सकता है, इसके चलते आप चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे सारा दिन। आपसे कोई बात करना नहीं चाहेगा। आपके लिए उपाय है, शिव जी की पूजा करें और उनको कच्चा दूध चढ़ाएं। आपका शुभ रंग भूरा। पंडित जी ने बताया कि कर्क राशि वाले जातक शिव जी की अर्चना करके अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए लकी कलर उनका भूरा और स्लेटी। पंडित जी से अब सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन यह है कि हंसी की चमक रहेगी, उजाला दिन रहेगा। यह ज्यादातर चीजें आपके मन के मुताबिक होंगी। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित हैं। आर्थिक परेशानियों में निवेश करें। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ अचानक आ जाने की संभावना है। संदेश पूरे परिवार के लिए रहेगा। अपने प्रिय के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। शाम का वक्त अच्छा रहे, इसके लिए आपको दिन भर मन लगाकर काम करना चाहिए। और आपका शुभ रंग। तो सिंह राशि के जातकों के लिए नीला कलर आज का शुभ कलर रहेगा। तो अब पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या उपाय हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आपका आकर्षण बर्ताव दूसरों को ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे, अपने पास इकट्ठा करेंगे। यह बात भली भांति जान लेना चाहिए कि आपको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। अगर आपको किसी ऐसी जगह से बुलावा आया है जहां पहले आप कभी नहीं गए हैं, तो वहां आपको जाना चाहिए और उस कार्य को करना चाहिए। वो कार्य आपके जीवन में बहुत ही बेहतर होगा और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नारंगी सुना। राशि के जातकों के लिए नारंगी रंग आज का शुभ रंग रहेगा। तो अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज के दिन क्या विशेष है। तुला राशि के जातकों के लिए अस्वाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उभरने वाली रहेगी। होशियारी से निवेश करे गए प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियों को अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे शहर में जाकर के कुछ बिजनेस का पर्पस से बात भी कर सकते हैं। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा केसरिया। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का शुभ रंग है केसरिया। तो पंडित जी से जानेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ रंग उनका शुभ कलर आज क्या है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सेहत को लेकर के ज्यादा देखभाल की जरूरत है।
आर्थिक तौर पर सुधार चलते रहने से आसानी काफी हो सकती है। लंबित बिल और उधार चुका सकते हैं आज आप। जो आपका उधार है, लंबा बिल है, वो आज आप चुका सकते हैं। यह दिन प्रसन्नता और जिंदगी है, साथ ही किसी खास संदेश को दिला सकता है। अगर कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो वह आपके लिए आज बेहतर होगा और वो योजना परिपूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का शुभ रंग है हरा कलर। तो धनु राशि के जातकों के बारे में आज पंडित जी से जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन रहेगा, आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लें ताकि आपके शरीर को पौष्टिक ऊर्जा मिले। और आपको बताना चाहेंगे, आज आप कहीं भी किसी भी प्रकार का खर्च ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर कहीं से बिजनेस के बारे में आपके लिए बातचीत हो रही है पैसा निवेश करने के लिए, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा ना करें। आपका शुभ कलर है सिल्वर कलर, सिल्वर सफेद। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का शुभ रंग है सिल्वर कलर। बसंत पंचमी पर उनके लिए का क्या उपाय है, क्या उनके लिए शुभ होगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़े चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। बीते दिनों में जितना धन आपको आज जो भी खर्च करेंगे वह उसका भरपाई आपको होगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ आज आप टाइम बिताएं, आपके लिए बहुत ही बेहतर। आपका शुभ रंग है लाल। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का शुभ रंग है लाल। तो जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज खुद को उत्साह बनाए रखने के लिए, अपनी कल्पनाओं और खूबसूरत शौक तरीके करीबी रिश्तेदार के घर जाना और आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगड़ा सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ उठाएं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज ना करें और उनकी सहायता करें। आपका व्यक्तिगत और लोगों से थोड़ा अलग नेचर है और आप सभी का सहयोग करना चाहते हैं और सहयोग करते हैं। और आपका शुभ रंग है क्रीम कलर। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। तो पंडित जी, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी पंडित जी से किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपने नाम के साथ अपनी समस्या भेज सकते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ खबर टुडे न्यूज़।